में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को सर्वप्रथम मेरी ओर से जय यीशु और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आपसे बाइबल पर आधारित वचन साझा करना चाहती हूँ। क्रिसमस मानव रूप में ईश्वर की प्रकटीकरण और मनुष्य के प्रति ईश्वर के निस्वार्थ प्रेम का पर्व है। प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने नियम में परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया और इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बात की। परमेश्वर ने स्वयं प्रकट होकर नबी मूसा से बात की और सिनाई पर्वत पर उसे 10 आज्ञाएँ दी। ईश्वर ने भविष्यवक्ताओं के सामने स्वयं को ऐसे ईश्वर के रूप में प्रकट किया जो अपने लोगों से प्रेम करता है, क्षमा करता है, सुधारता है और उसकी परवाह करता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1-3 में लिखा है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। प्यारे भाइयों और बहनों, नए नियम में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यीशु की असली पहचान प्रकट की। संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 5 कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। महादूत गब्रियेल ने यीशु ख्रिस्त के बारे में कहा, आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। संत मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 21 में लिखा है, परमेश्वर पापियों और संतों से बिना किसी भेदभाव के प्रेम करता है। संत जोहन अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है, ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस प्रेम के कारण ईश्वर यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बन गए और उनके जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से अपनी असली पहचान प्रकट की और कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। संत जोहन अध्याय 14 पद संख्या 6 में लिखा है, प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस एक अनोखा पर्व है जो ईश्वर के प्रेम, आनंद, शांति और प्रेम का संदेश है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस एक अनोखा पर्व है जो ईश्वर के प्रेम, आनंद, शांति और प्रेम का संदेश देता है। क्रिसमस एक दूसरे को प्यार करने, क्षमा करने और सेवा करने का एक अवसर है। क्रिसमस उत्सव हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास को नवीनीकृत करने का एक उत्तम अवसर है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह में अपना विश्वास कैसे नवीनीकृत कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यीशु को अपने दिल में और अपने परिवार में स्वीकार करना होगा। हमें ईश्वर को जानने और उसे प्रेम करने के लिए
प्रतिदिन पवित्र वचन पढ़नी होगी। हमें अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में यीशु के संदेश को स्वीकार करना और उसका पालन करना होगा। यीशु के साथ अपने रिश्ते को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हमें बार बार परमप्रसाद संस्कार ग्रहण करने होंगे। हमें यीशु की तरह अपने पड़ोसियों को प्यार करना है और ज़रूरतमंदों के लिए अच्छे काम करना है। इस क्रिसमस पर्व में यीशु हमें आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दखलाता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकते, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। दखलाता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। संत जोहन अध्याय 15 पद संख्या 4-5 में लिखा है। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि बालक यीशु, जो हमारे दिल में, हमारे परिवार में और हमारे बीच में जन्म लिए हैं, हमें स्वर्गीय आनंद, शांति, प्रेम और करुणा से भर दे, ताकि हमारा जीवन हमेशा क्रिसमस ट्री की तरह हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमकता रहे। आप सभी को मेरी ओर से लाखों बार क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जीसू।